आज की थाली बिल्कुल देसी स्टाइल में है, दाल, बैंगन का चोखा और रागी की रोटी। चलिए देखते हैं कैसे बनाया। मैंने दाल को एक घंटा भिगा दिया था, उसको डाला कुकर में, प्याज डाला, टमाटर, हरी मिर्च, हल्दी और हींग डाल के उसको 4 सीटी आने तक रख दिया। तड़के के लिए मैंने घी में जीरा डाला, उसके बाद प्याज लहसुन डाला, करी पत्ता डाला और उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया। अब टमाटर अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली और तड़का बिल्कुल रेडी है। दाल में तड़का लगाया और उसके बाद हरी धनिया डाल के दाल को सर्व किया। बहुत टेस्टी बनी थी, ट्राई जरूर करिएगा ये वाली दाल। उसके बाद बैगन का चोखा बनाने के लिए मैंने बैगन को अच्छे से धो के साइड से स्लिट कर लिया है। उसके बाद उसमें मैंने लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से डाल दिया है, स्टफ कर दिया है ताकि बैगन अंदर तक पक भी जाए और लहसुन का और हरी मिर्च का फ्लेवर आ जाए। थोड़ा तेल लगाया बैगन के ऊपर और उसको रोस्ट करने के लिए गैस पे रख दिया। टमाटर भी रोस्ट कर लिया था साथ में। उसके बाद बस इसको ठंडा करना है। इसका छिलका बहुत गर्म था, मैं ऐसे ही उतारी थी, मेरा हाथ जल गया था, तो मैंने इसको थोड़ा ठंडा करना है। उसके बाद आप छिलका उतारिए और उसके बाद मैंने चाकू से इसको थोड़ा कट करके खोल के रख दिया ताकि अंदर तक ठंडा हो जाए। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज डाला, हरी धनिया, हरी मिर्च और अदरक ग्रेट करके डाल दिया। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको ठंडा होने के बाद अच्छे से नमक और सरसों का तेल डालिए और ध्यान रहिए इसमें सरसों का तेल ही यूज़ करिए, कच्चा वाला। और बस इसको हाथ से मैश करना है, अच्छे से हाथ से मैश करिए। उसके बाद इसमें नींबू का रस डालिए और चोखा बिल्कुल रेडी है, मेरी देसी थाली बिल्कुल रेडी है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी ये थाली बनाइए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।